वाले बैक पोर्शन को आपको इस तरीके से टेयर करके लेट मी शो यू, लेट मी ओपन एंड शो यू दिस पैंटी लाइनर। हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग एक वीडियो है क्योंकि आज मैं फीमेल हाइजीन के ऊपर बात करने वाली हूँ। पैंटी लाइनर्स आप सबने शायद सुना होगा, आजकल मार्केट में पैंटी लाइनर्स काफी ज्यादा अवेलेबल है। तो पैंटी लाइनर्स क्या है, नॉर्मल पैड से पैंटी लाइनर्स के क्या डिफरेंस है, या फिर उसे किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसे इस्तेमाल करने पर क्या क्या सुविधा हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। सो सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और मेरे ख्याल से इस तरीके का वीडियोस हम सभी क्रिएटर्स को शेयर करनी चाहिए क्योंकि हमारा जो चैनल है उसके जरिए हम अगर किसी को एजुकेट कर सकते हैं हाइजीन रिलेटेड तो वो काफी अच्छा होगा, हेल्पफुल होगी। दैट्स व्हाई, और ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करूंगी वो सब आपकी हेल्प हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल्सो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। सो या लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि पैंटी लाइनर्स एक्चुअली है क्या। पैंटी लाइनर्स अगर देखें तो वो नॉर्मल पैड्स ही है, लेकिन नॉर्मल पैड से उसका जो साइज है वो काफी छोटा है, मतलब नॉर्मल पैड का छोटा वर्जन है पैंटी लाइनर्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो छोटा है, दैट्स वाई वो अगर आपकी हेवी फ्लो है उस टाइम आप उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप जस्ट अपने पीरियड स्टार्ट होने से पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शुरुआत के टाइम, या फिर पीरियड जब खत्म होने को है उस टाइम जब कुछ स्टेन वगैरह कुछ होते हैं बहुत ही कम, तो एक बड़ा पैड वेस्ट करने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे इस तरीके का पैंटी लाइनर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बट पैंटी लाइनर्स में कोई विंग्स नहीं होता, नॉर्मल पैड्स में विंग्स होता है। मैं जिस पैंटी लाइनर को इस्तेमाल करती हूँ दैट इज फ्रॉम द ब्रांड एवरटीन पैंटी लाइनर्स। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस क्यों मैं इस पैंटी लाइनर को इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारे पैंटी लाइनर्स काफी सारे अलग अलग से ब्रांड से इस्तेमाल किया है एंड देन ओनली आई हैव चोजन दिस वन, क्योंकि इसके ना बहुत सारे फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देती हूँ कि दोनों में साइज डिफरेंस क्या है। ये है एवरटीन का पैंटी लाइनर और ये है नॉर्मल पैड जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं जनरली। तो आप साइज डिफरेंस देख सकते हैं, ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है। ऑल्सो एवरटीन का जो ये पैंटी लाइनर है ये है 100% कॉटन। इसके अंदर किसी भी तरीके का फ्रेग्रेंस या सेंट नहीं है, अनसेंटेड है और ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है, जो मार्केट में और भी दूसरे पैंटी लाइनर्स अवेलेबल है उससे कई ज्यादा सॉफ्ट है और इसके अंदर कोई जेल नहीं है। तो जेल से कई बार ऐसा हो जाता है कि जेल वाले पैड या पैंटी लाइनर से रैशेस हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है इंटीमेट एरियाज पर। तो इसके अंदर किसी भी तरीके का जेल वगैरह नहीं है, ये 100% कॉटन है, तो ये काफी सॉफ्ट है, काफी माइल्ड है आपके स्किन के लिए। दैट्स वाई कोई इरिटेशन या रैश नहीं क्रिएट करता, जिसकी वजह से मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। ऑल्सो इसके अंदर जो भी पैंटी लाइनर्स है वो इंडिविजुअली रैप्ड इस तरीके से पाउच टाइप्स में है, तो ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है कैरी करना। आपको कहीं पर जाना है, यू जस्ट नीड टू पैंटी लाइनर्स तो आप उसे कैरी कर सकते हैं, इतना छोटा सा है और काफी ज्यादा इसको देखकर पता भी नहीं चलेगा कि दिस इज अ पैंटी लाइनर। और इसके अंदर ना एंटी बैक्टीरियल एनायन स्ट्रिप है और ये ऑडर को कंट्रोल करता है और काफी ब्रीदेबल मटीरियल है जिसकी वजह से रैशेस उतना ज्यादा नहीं होता है इसे इस्तेमाल करने से। आपको ये जो बॉक्स है ना, ये इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे 30 लाइनर्स जो कि अनसेंटेड है और पर जो लाइनर है उसका साइज है 180 मिलीमीटर। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी एक्चुअली साइज क्या है। तो आप इसे ना अपने पीरियड स्टार्ट होने से पहले जब आपको लगता है कि योर डेट इज नियर तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, जो मुझे मार्केट में जो भी मैंने दूसरे ब्रांड से इस्तेमाल की है पैंटी लाइनर्स उसमें ये जो एडवांटेज है वो मुझे नहीं देखा है, वो मुझे नहीं मिला है। दैट इज कि इसका जो गम है ना पीछे वाला, जो चिपकाने वाला पोर्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये ना श्रिंक नहीं होता जो कि काफी सारे पैंटी लाइनर्स में हो जाती है, क्योंकि इसमें विंग्स नहीं है तो कुछ देर बाद ये श्रिंक हो जाता है और अल्टीमेटली इसे यूज करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। बट ये वाला मैंने इस्तेमाल करके देखा है, ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होता, जो जिसकी वजह से मुझे ये इतना ज्यादा पसंद है। टैम्पॉन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने से बेहतर है ये वाला, क्योंकि ये कॉटन है, इससे कोई डर नहीं है आपको, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह की कोई परेशानी आपको नहीं उठाना पड़ेगा।
एंड अगर आपके कोई डिस्चार्ज हो रहा है, वाइटिस डिस्चार्ज, उस टाइम भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ हैक्स जो मैंने काफी सारे इंटरनेट में वगैरह बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पर पैंटी लाइनर्स को यूज करने के और भी काफी सारे लाइफ हैक्स है. जैसे कि अगर आपको काफी ज्यादा स्वेट होते हैं तो स्वेट पैच की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. जस्ट आपको इसे अपने अंडर आर्म्स एरिया पर, अपने क्लोथ पर इसे चिपकाना है. इससे ही जो स्वेट है वो इसमें अब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेट पैचेस नहीं दिखते हैं. और ये इतना ज्यादा पतला है कि ये मतलब समझ में नहीं आता कि आपने कुछ इसके अंदर लगाया भी है. सो इसके काफी सारे हैक्स है, वो भी आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं. मुझे ये स्वेट पैच वाला हैक सबसे ज्यादा पसंद आता है. सो ये हाइजीन को काफी ज्यादा मेंटेन करता है. एंड एवरटीन के और भी कई सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि इंटीमेट वॉश है डिफरेंट डिफरेंट एज के. अगर आप टीनेजर है तो अलग से इंटीमेट वॉश है, अगर आप मॉम है तो अलग से इंटीमेट वॉश है, फोमिंग वॉश भी है. फिर इनके हेयर रिमूवल क्रीम से, बिकिनी लाइन हेयर रिमूवल क्रीम से भी है, मेंस्ट्रुअल कप्स भी है, टाइटनिंग एंड रिवाइटलाइजिंग जेल भी है, फिर हाइजीन वाइप्स भी है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी रिव्यू शेयर किया है. तो आप चाहते हैं तो उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं. सो या Let me open and show you this panty liner. इसका यहाँ पर आपको इस तरीके सा एक ओपनिंग मिलेगा जो जिसको आप इस तरीके से टेयर करके आप ओपन कर सकते हैं. एंड ओपन करते ही ये है इसका साइज. तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है और इस वाले बैक पोर्शन को आपको इस तरीके से टेयर करके आप इसे अपने क्लॉथ पर चिपका सकते हैं. सो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से मुझे ये इतना पसंद आता है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एवरीवन, स्पेशली टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स को ज्यादा जरूरत है, विच आई फील. और अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना है तो जितने भी परचेजिंग लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. यू कैन परचेज दीज प्रोडक्ट्स, काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है. लेट मी टेल यू द प्राइस एज वेल. इसका प्राइस है 166 रुपीज. तो 166 रुपीज में आपको 30 लाइनर्स मिल रहे हैं, विच इज रियली अफोर्डेबल. ऊपर से ये कॉटन के है. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है. ऑल्सो ये जो बॉक्स है इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको इस तरीके से लाइनर्स दिखेंगे. इतने सारे लाइनर्स इंडिविजुअली पैक्ड, इंडिविजुअली रैप्ड इस तरीके से है. सो आई लव द पैकेजिंग ऑल्सो. और या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.